जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, बेरोजगारी भत्ता योजना 2024। किन किन लोगों को वापस चुकाना पड़ेगा बेरोजगारी भत्ता? जी हाँ साथियों, यानी कि एक नोटिस जारी हुआ है विभाग की ओर से। उस नोटिस में यही लिखा है कि भाई, जो लोग अवैध तरीके से जो बेरोजगारी भत्ता ले रहे हैं, उनको वापस चुकाना पड़ेगा। अब वो कौन शामिल है, कौन नहीं है, कैसा नोटिस है, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, सारी चर्चा करने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, जाके इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। देखो भाई, एक नोटिस भेजा गया है विभाग की ओर से कि भाई, आपने गलत तरीके से बेरोजगारी भत्ता लिया है, इसके नियम के विरुद्ध आपने काम किया है, तो फिर आपको बेरोजगारी भत्ता जो लिया है ना, जितना भी लिया है ना, वो सारा का सारा वापस चुकाना पड़ेगा, कार्यालय के राजकोष में जमा करवाना पड़ेगा आपको। चाहे किसी ने 70,000 ले लिए हों, चाहे 80,000 ले लिए हों, चाहे 20,000 ले लिए हों, जैसे ही पकड़े जाते हैं आपको पूरा भत्ता चुकाना पड़ता है, अन्यथा कार्यवाही भी की जाती है। अच्छा, अब देखो, बेरोजगारी भत्ता योजना 2024, किन किन लोगों को चुकाना पड़ेगा पूरा भत्ता वापस? सरकार ने दिया नोटिस। जी हाँ साथियों, एक तो देखो, गरीब आदमी भत्ता लेता है, मिडिल क्लास के हम बच्चे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता प्राप्त क्यों करते हैं? क्योंकि हम बेरोजगार हैं, इस वजह से हम भत्ता प्राप्त करते हैं। और उसमें भी अगर हम फर्जी तरीके से भत्ता ले लेते हैं तो फिर भैया वापस चुकाना पड़ता है, हम कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा? चलो वहां तो हमने 4,000 3,500 रुपए ले लिए हैं, ठीक है साहब, अब वो अपने खर्च भी हो गए हैं, किसी के पास नहीं बचते हैं ये पैसे, इतने आते हैं 4,000-4,500 रुपए, ये किसके पास बचेंगे भैया? किसी के पास नहीं बचेंगे ये पैसे। जैसे हम तो इंतजार और करते हैं, उधार सुधार ले लिया, उनको भी देना है भैया, और किसी को कुछ खर्चा पानी चलाना है, किसी को कुछ खर्चा पानी चलाना है, किसी को कोई काम करना है, तो पैसे इतने आते हैं जो उठ जाते हैं। अब मान लो फर्जी तरीके से हम भत्ता ले रहे हैं और फिर सरकार ने नोटिस जारी कर दिया कि 80,000 रुपए चुकाओ और 15 दिन के अंदर अंदर चुकाओ, कहां से लाएंगे हम इतना सारा पैसा? रियल तरीके से आप भत्ता लो, आपको कोई भी वापस नहीं करना पड़ेगा और ना आपका कोई नोटिस आएगा। हमने भत्ता ले लिया है, आज तक कोई नोटिस नहीं आया है, मेरे जितने भी दोस्त हैं उन्होंने भत्ता लिया, कोई नोटिस नहीं आया, क्यों आएगा भाई, क्यों देगी सरकार नोटिस ऐसे ही? आप फर्जी तरीके से जो ले रहा है उसको मिलता है। अब देखो, जिला रोजगार कार्यालय सवाई माधोपुर राजस्थान के द्वारा ये नोटिस दिया गया है, यानी कि कोई भी लड़का है या कोई लड़की है जो सवाई माधोपुर के निवासी हैं, उन्होंने जिला रोजगार कार्यालय सवाई माधोपुर में अपना भत्ते का जो कार्यक्रम था वो पूरा किया और भैया जिला रोजगार कार्यालय से फिर उनको जो भी है आगे की प्रोसेस होती है वो वहां से हुई है। दिनांक है 18 दिसंबर 2023, यानी कि अभी की बात है। विषय क्या था? कूट रचित उपस्थिति पत्रंग से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में बेरोजगारी भत्ता उठाने बाबत, यानी कि भैया उसने बेरोजगारी भत्ता उठाया है, इस जिला रोजगार कार्यालय में उसका जो भी वेरिफिकेशन हुआ है, सब अपने अपने जिले में होते हैं, समझ रहे हो, जैसे भाई अपना जिला है, कोई अलवर का है तो अलवर जाएगा जिला रोजगार कार्यालय में, जयपुर वाला अपने अपने जिले में जाते हैं सब, कोटपुतली भैरोड वाला उसमें जाएगा, ऐसे अलग अलग अपने अपने जिले में जिला रोजगार कार्यालय है जहां से उनको वेरीफाई होता है बेरोजगारी भत्ते के लिए, उनको इंटर्नशिप की जो उपस्थिति प्रमाण पत्र है वो भेजना पड़ता है, SSO पे अपलोड करना पड़ता है, हाजिरी भेजनी पड़ती है, समझ रहे हो, ज्वाइनिंग लेटर भी तो जिला रोजगार कार्यालय से ही देता है, मिलता है कि नहीं मिलता है, तो जिला रोजगार कार्यालय जारी करता है उसका जो जॉब लेटर है, जो ज्वाइनिंग लेटर जिसको हम बोलते हैं कि भाई कौन से विभाग में आपको इंटर्नशिप करनी है। तो ऐसे ये सवाई माधोपुर की बात है, इसमें महोदय उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि उसके द्वारा, यानी कि कोई भी विद्यार्थी है जिसके द्वारा,
जिसने ये गलत तरीके से क्या किया है, भत्ता लिया है, उसके द्वारा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में पंजीकृत संख्या, यानी कि पंजीकृत संख्या तो रहती है जो भी भत्ता लेता है उसका, तो उसमें जिला रोजगार कार्यालय सवाई माधोपुर द्वारा इंटर्नशिप करने हेतु गवर्नमेंट ऑफिस नियुक्त किया गया था। यानी कि आप सभी को पता है 4 घंटे की इंटर्नशिप अपने को करनी पड़ती है कोई भी सरकारी कार्यालय में, ठीक है। अब ये नाम कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑफिस वगैरह कुछ भी हो, ये है ना, तो ऐसे अपने को 4 घंटे इंटर्नशिप करनी रहती है सरकारी कार्यालय में जब भी हम भत्ता लेते हैं। तो ये नियम 2023-24 में चल रहा है, तो इसमें चाहे नगर पालिका लो, चाहे ग्राम पंचायत लो, पंचायत समिति लो, तहसील लो, सरकारी स्कूल लो, है ना, पटवार घर लो, इस प्रकार से अपने को सरकारी कार्यालय में ड्यूटी करनी पड़ती है 4 घंटे की, और फिर अपने को हाजिरी लेनी है, 1 महीने पे हाजिरी लेनी रहती है, फिर उस हाजिरी पे मोहर टिकती है, जिस कार्यालय में आप ड्यूटी दे रहे हो उसकी मोहर लगेगी, सिग्नेचर होंगे। जैसे मान लो स्कूल में लग रहे हो तो प्रिंसिपल हो या कोई हेडमास्टर हो तो उसकी मोहर लगेगी, सिग्नेचर होंगे, और फिर आप उस इंटर्नशिप प्रमाण पत्र को ले जा करके, हाजिरी वाले को ले जा करके, और SSO पे अपलोड करवाते हो, ई मित्र पे, ठीक है। ऐसे ही इनको भी सवाई माधोपुर द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस नियुक्त किया गया था, जहां पर आपके द्वारा, आपके का मतलब उस लड़के के द्वारा, आपके द्वारा इंटर्नशिप उपस्थिति पत्रांक कूट रचित प्रकार से तैयार करके भत्ता उठाया गया था, समझ रहे हो, फर्जी तरीके से। उक्त तथ्य उद्योग हस्ताक्षरकर्ता द्वारा गवर्नमेंट ऑफिस में निरीक्षण करने पर उजागर हुआ है, यानी कि ये निरीक्षण किया गया है, और सभी को पता है निरीक्षण होता है भाई, जहां से आप भत्ता ले रहे हो वो वहां की जो टीम है वो निरीक्षण करती रहती है पूरे राजस्थान में, कोई से भी जिले का नंबर कभी भी आ सकता है, हर अलग अलग अपने अपने जिले के अनुसार जांच चलती रहती है। अलवर जिले वाला जो रोजगार कार्यालय है वो पूरे अलवर जिले में जांच करवाता रहता है कि भाई इस बच्चे का हमने जारी कर दिया है, अब ये इंटर्नशिप देगा फलाने इस डिपार्टमेंट में, तो यहाँ पे जाके चेक करो। तो जैसे ही इनकी टीम वहां पे पहुंचती है तब इन्होंने पाया कि ये तो है ही नहीं हमारे पास। भाई मान लो आपका सरकारी स्कूल में इंटर्नशिप है और आप मित्र वाले के पास थप्पा ठुकवा रहे हो, दमादम फर्जी मोहर लगवा रहे हो, सिग्नेचर खुद ही कर देते हो प्रिंसिपल के, और SSO ID पे अपलोड करवा रहे हो। अब बाई चांस उस स्कूल में टीम पहुंच जाती है निरीक्षण करने के लिए, जैसे मान लो कोई भी आदमी लग रहा है, अब वो टीम वहां पर पहुंची और फिर वहां पूछा गया उनसे कि हाँ भाई राजेश गुर्जर है क्या यहाँ इस स्कूल में, हाँ साहब राजेश गुर्जर तो बहुत है साहब, अरे नहीं भत्ता लेने वाला, नहीं साहब कोई भी नहीं है हमारे तो यहाँ, अरे तो फिर ये भत्ता ले रहा है ना भैया, हर महीने आपकी मोहर टिक रही है, साइन होके जा रहे हैं, SSO पे अपलोड किया जा रहा है, प्रिंसिपल मना कर दिया, सर मेरे पास तो कोई ऐसा है ही नहीं बंदा इस नाम से, और तो है ये रहे लेकिन इस नाम का कोई है ही नहीं, तब पता चला है कि ये फर्जी तरीके से इंटर्नशिप भेज रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, उक्त योजना में आप द्वारा उपस्थिति होकर, उक्त योजना में आप द्वारा उठाया गया भत्ता 88,000 रुपए, 88,000 रुपए तक का उसने भत्ता ले लिया था, और 15 दिन के अंदर अंदर कार्यालय में उपस्थित होकर राजकोष में जमा कराएं, और जमा नहीं करने पर आपके विरुद्ध नियम अनुसार पुलिस कार्यवाही अमल में लाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी कि भैया आपने जो 88,000 रुपए लिए है ना बेरोजगारी भत्ता के रूप में, उसको 15 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देना राजकोष में आकर के, और अगर जमा नहीं करवाते हो तो आपके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई की जाएगी और जिसके जिम्मेदार तुम खुद रहोगे, ऐसा नोटिस आया है ये। अब देख लो तुम, फर्जी तरीके से अपने को बिल्कुल भी भत्ता नहीं लेना है, अगर आपको इंटर्नशिप मिली है तो आप भैया हाजिरी पूरी करके आओ, और वहां पर सबको पता होना चाहिए कि आप यहां पर बेरोजगारी भत्ता के रूप में लगे हुए हो, हर कर्मचारी को पता होना चाहिए आपका, और कम से कम उसको तो जरूर पता होना चाहिए जो आपकी मोहर लगा के देता है, सिग्नेचर करता है, चाहे कोई भी आदमी हो, कोई भी ऑफिसर हो, उसको पता होना चाहिए कि ये इस नाम का व्यक्ति अपने पास भत्ते के रूप में काम कर रहा है। फिर चाहे आप छुट्टी पे रहो, चाहे आप जाओ चाहे मत जाओ, वो अलग बात है, लेकिन उनको पता तो रहना चाहिए ना कि भाई हाँ ये आदमी अपने पास भत्ते के रूप में काम कर रहा है, बेरोजगारी भत्ते में इंटर्नशिप कर रहा है, ताकि उसकी फर्जी नहीं बता सके वो।
मान लो चेकिंग जाती भी है तो मोर देखेगी, सिग्नेचर चेक करेगी, तो वो आपका जो अधिकारी है वो कहे तो गा ना भाई कि हाँ साहब ये हमारे पास आता है, भत्ते के रूप में इंटर्नशिप कर रहा है, ये मोर हमारी है, सिग्नेचर हमारे हैं, हमारे पास ही लगा हुआ है, फिर कोई समस्या नहीं है, फिर आपका भत्ता आएगा 100% आएगा और उसको कोई भी वापस नहीं ले पाएगा। ठीक है, अगर उस ऑफिसर ने ही मना कर दिया कि ये तो फर्जी है, इस नाम से हमारे पास कोई है ही नहीं, तो भैया फिर आप तो गए काम से, फिर आपको जमा ही कराना पड़ेगा पूरा, फर्जी तरीके से नहीं लेना है, जाना है अपने को इंटर्नशिप में। हाँ वैसे छुट्टी ले सकते हो, उनको बोल सकते हो भाई आपको छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले लो, कोई बात नहीं है, नहीं भी जाते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाजिरी तो पूरी होनी चाहिए ना अपलोड वहां पे। नहीं जाते हो तो उनको बोलो कि सर मैं ऐसे ऐसे इतने दिन तक नहीं आ पाऊंगा, मेरे को ये काम है, जाओ कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक तो वैसे कोई पता ही नहीं है वहां, और आप वैसे ही फर्जी मोर टिकवा टिकवा के साइन मार मार के दे रहे हो, कर रहे हो अपलोड, तो बाद में जब चेकिंग होगी तो पता चलेगा, आपको पूरा भत्ता वापस लौटाना पड़ेगा, नहीं लौटाओगे तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी, आपकी भी बदनामी है, आपके परिवार की भी बदनामी है, और ये तो देना पड़ेगा, ब्याज से उठाओ, कर्जा उठाओ, लोन लो, किस्त लो, कुछ भी लो, ये तो देना ही पड़ेगा भैया, तभी गैल छूट पाएगी, वरना गैल नहीं छूटेगी, ये ध्यान रखना। तो आई होप आपको ये जानकारी कैसी लगी, फर्जी तरीके से भत्ता मत लो, तरीके से भत्ता लो, कोई समस्या नहीं है, घबराने की कोई चिंता नहीं है, आराम से अपने भत्ता लेते रहो, इंटर्नशिप देते रहो, कोई समस्या नहीं है। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो आप बेझिझक होकर के कमेंट करिए, हम आपके जवाब अवश्य देंगे। तो वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं निकलती हैं, तमाम हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में आपके साथ साझा करते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।